अर्चना जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज वैलेंटाइन डे का है? देखो, सूरज जब निकले तभी सवेरा, और जब दीपिका आए तभी वैलेंटाइन डे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट मुझे फोन करने दे। किसको? गिन्नी। गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी को बड़ा बुलाते हो आप। इतना परमीत सर को बुलाया होता ना, आपका परिवार थोड़ा और बड़ा होता। जब देखो गिन्नी को बुला दूं। गिन्नी को घर से बुला रही हूं, जो पीछे आके बैठी उनको ना बुलाऊं मैं? तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबसे ज्यादा मुझे खुद को इंतजार था। हाँ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम फिल्म गहराइयां से द वेरी गॉर्जियस एंड स्टनिंग दीपिका पादुकोण। कपिल, जेलस? शी केम टू मीट मी एंड हग्ड मी। शी डिडंट हग यू। यू आर जेलस बेबी। आई एम नॉट जेलस। लोगों के लिए चांद रोज निकलता है, मेरे लिए आज 10,94,400 मिनट बाद निकला है। क्योंकि पिछली बार 5 जनवरी 2020 में हमारी मुलाकात हुई थी, तब से लेके 760 दिन, 18,240 घंटे और 10,94,400 मिनट हो चुके हैं। सेकंड का हिसाब नहीं रखा? नहीं नहीं नहीं, लगा रहा था सेकंड का हिसाब, लेकिन गिन्नी आ गई थी। गिन्नी आ गई, आपको कैसे पता? बीवी का डर भी कोई चीज होती है। तो कैलकुलेटर में पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ, कैलकुलेटर वाला मुझसे पूछने लगा, जब तेरे को खुद को इतना मैथ नहीं आता, इतना टोटल क्यों कर रहा है? आप इतनी प्यारी लग रही हो ना, कसम से। थैंक यू। आपने जो लेदर जैकेट पहना है ना, वो मैं मैच करने की कोशिश कर रही थी। बहुत स्वीट। अनन्या, धैर्य और सिद्धांत चतुर्वेदी के लिए जोरदार तालियां। Not really, actually. I'm gonna be like Romeo and Juliet. How are you? वो तीन लोग ऊपर जा रहे हैं, आप एक लोग नीचे नहीं आ सकते? और ये एडिट में बिल्कुल मत काटना, लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे मैंने कौन सा ट्राउजर पहना। स्टाइलिश है ना? नहीं, क्योंकि वहां पे टॉप टॉप ही दिख रहा है ना। तकलीफ उठाते हैं आप, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू दीपिका, लुक हू इज टॉकिंग। एक बार जोरदार तालियां गहराइयां की स्टार कास्ट के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आहा, अकेली नहीं आ सकती थी? अरे कुर्सी तेरी उधर जा रही है यार, संभल। कुर्सी जा रही। सिद्धांत जी सर, आपने 40-50 दिन साथ में शूटिंग करी दीपिका के साथ। जी सर। मैं गरीब आदमी 5 मिनट गाना गा रहा था, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? भाजी, आपसे इतना प्यार है। पिछली बार आधे पे मैं चला गया, तो मैंने सोचा मैं वेट कर रहा था, मैं से रहा नहीं गया, तो मैं आ गया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपकी मूवी का। अच्छा, सिद्धांत ने इससे पहले यशराज बैनर की फिल्म करी थी, अब ये फिल्म धर्मा के लिए कर रहे हैं, और साथ में दीपिका पादुकोण, और ऊपर से मुझे भी आपने 2 बार मिल लिया। तो मतलब अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आपका टाइम आ गया। अच्छा। लग रहा है ऐसा, कुछ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं सिद्धांत। पिछली बार हमारी बड़ी छोटी मुलाकात थी, मैं आपको बता नहीं पाया, और आपने जितनी भी फिल्में करी हैं बड़ा ही कमाल का काम किया, बहुत बहुत मुबारक आपको। अनन्या, इस सीजन में आप पहली बार आई हो जी, तो आप 15 से 18 साल तक वाले बच्चों की वैक्सीन खुलने का वेट कर रही थी? आपको लग गई दोनों वैक्सीन जी? पर मतलब अभी बड़ी लेट खुले ना बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए। हाँ, मतलब मैं बच्ची नहीं हूँ। ओहो, कहने का मतलब देखो, मैं यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ। वाओ, व्हाट अचीवमेंट। आई नो। पांडे साहब कैसे हैं? पांडे साहब बिल्कुल ठीक है। कौन से पांडे? चंकी पांडे? और मैंने मैं और ड्रम वाला पांडे पूछूंगा उनसे। आप कमाल करती हैं। आपको पता है, हमने ऐसा सुना है अनन्या, कि जब आपको फिल्म का नरेशन दिया गया, नरेशन सुनने के बाद ही 20 मिनट अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। क्यों? तो आप क्या बाल्टी में मुंह डाल के गहराइयां चेक कर रही थी कि मैं कितनी गहराई तक जा सकती? क्यों किया आपने ऐसा? वही कर रही थी मैं। पर ये बात सही है, आपने 20 मिनट अपने आप को लॉक कर लिया? मैं थोड़ी लाइक डर गई थी। अच्छा, क्यों? बहुत बड़ी पिक्चर थी यार, दीपिका के साथ मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। पर आप कहीं से भी लग नहीं रहा कि आप न्यू कमर हैं, और आप सबने बड़ा कमाल का काम किया है। कांग्रेचुलेशन। धैर्य, आप सही सही बताना, जब आपको पता चला कि आपके ऑपोजिट दीपिका है, तो आपने फीस मांगी प्रोड्यूसर से कि अपनी सेविंग भी उनको दे दी थी? बात ठीक है सर, ऐसे ही कुछ हुआ था। मैंने कहा मैं फ्री में कर लूंगा।
वैसे इंसान जब पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है उसकी दो इच्छाएं होती हैं, एक तो वो दीपिका के साथ अगर फिल्म कर ले और दूसरा कपिल शर्मा शो में आ जाए। सर तो आपकी आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। सर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। कहीं हिमालय तो नहीं जाने की सोच रहे आप इसके बाद? आप टिकट बुक करवानी पड़ेगी, आपने कंप्लीट करवा दी है लिस्ट। दीपिका हमने एक बात सुनी कि आपने प्रोड्यूसर से कहा कि सारी स्टार कास्ट को गोवा में लेके चलते हैं ताकि इनकी बॉन्डिंग बढ़े, तो सच्ची में आप बॉन्डिंग बढ़ाना चाहती थी स्टार कास्ट की या प्रोड्यूसर के खर्चे पे छुट्टियां मनाना चाहती थी गोवा में? नहीं, बस ऐसे ही हॉलिडे पे जाना चाहती थी, पैसे कम थे तो मैंने सोचा कि प्रोड्यूसर के ऊपर डाल देती। देखा, ये है जवाब, पैसे कम थे। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है दीपिका का फेवरेट भी है गोवा। फाइंडिंग फैनी में भी आपने पूरा गोवा में शूट किया। हाँ, बचपन में भी बहुत मैं गोवा जाती थी तो मुझे लगा कि हम सब साथ में चलेंगे। इतना हमारे यहाँ नहीं आती जितना ये गोवा जाती है। मैंने तो कहीं गोवा में रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर लेनी है, वहाँ ज्यादा आती है। सीरियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बादाम खाएंगी? ओह गॉड, क्यों नहीं, सिर्फ आपके लिए। रोमांटिक म्यूजिक आपके लिए, किशमिश है। शुक्रिया। ये थोड़े महंगे हैं, ये मैं दीपिका के लिए रखे हैं। हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आप पपीता खाओ। नन्ने तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो कसम से। अनन्या खाना नहीं खाती है। मैं बहुत समय आप भी हाथ सैनिटाइज कर लो। You want Dhairya? आप कर्मा में बिलीव करती हैं अनन्या? मैं धर्मा में बिलीव करती हूँ, कर्मा में बिलीव करती हूँ। है? सब धर्मा में बिलीव। मैंने ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि पति पत्नी और वो में ये कार्तिक की वो थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण आपकी वो है। ओ हाँ। आपने अपनी कुंडली चेक कराई? आपकी कुंडली में वो वाला दोष तो नहीं है? लग रहा है ना? मैंने ये सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया, अब आप नेक्स्ट टाइम सोच लेना। सिर्फ बादाम भी तो खिलाई हुई है। हाँ। इतनी प्यारी है नन्या, बादाम की क्या जरूरत है? है हाँ, मतलब मैं सही में सवाल भूल जाता हूँ मैं। लग रहा है यार। क्या हुआ कपिल, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बताऊंगा आपको, भूल गए। ये बात काश पहले पूछ ली होती। क्या क्या हुआ तो हम बता देते। मैं हमेशा पूछती हूँ कैसे हो कपिल। बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जहाँ इतने लोग ले रहे हैं हम भी ले रहे हैं। अरे ठीक है। You know you're killing him, right? By saying कैसे हो ना, ये तो मतलब he's dying. मेरा बस चलने, सबको बाहर भेज दूं। आप जाओ आप। सर तो कब के आगे निकल गए। हाँ। नहीं, मैं क्या करता, आप लोग तो इतनी सारी फिल्में बना रहे थे, मैं लॉकडाउन में फ्री था। हम भी जो प्रोड्यूस कर सकते थे हमने भी कर दिया। मतलब दे आर सो क्यूट, दोनों गिन्नी पे गए, रियली क्यूट। अच्छा हुआ उस पे गए हैं। अच्छा, आप सबको पता है सिद्धांत जो है पिछली फिल्म में बंटी और बबली में इन्होंने बंटी का नाम चोरी कर लिया, इस फिल्म में किसी और की गर्लफ्रेंड चोरी कर रहे हैं ये। आपके ऐसे कौन से टैलेंट के बारे में प्रोड्यूसर को पता चल जाता है, सारे चोरी चकारी वाले काम आपको क्यों मिल रहे हैं? नहीं मतलब क्या बताऊं, अभी चोरी की आदत है, दिल चोरी करने की। मतलब आपके दोनों हाथ, सर, मुंह, पैर सारे कड़ाई में है। देखो आप, पहले अनन्या इनकी गर्लफ्रेंड, बाद में इनको इनसे प्यार हो जाता है। वाह चतुर्वेदी साहब, सच में बड़े चतुर आप। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अपने? मैं बलिया से हूँ। अच्छा जी, बलिया एक शहर है यूपी में। यूपी में? हाँ। जी, वहाँ से हूँ मैं। वाओ, और फिर यह एक शुरुआत कैसे हुई आपकी यहाँ पे? शुरुआत बस सीए कर रहा था मैं पहले। अच्छा। उसके बाद वो बीच में करियर चेंज किया, ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर इनसाइड एज आई, उससे थोड़ा नोटिस हुआ। उसके बाद ये जैकेट ना बड़ा स्टिफ कर दिया मेरे को, सुंदर दिखने के चक्कर में मेरे को पता नहीं क्या पहना, लग फिर नहीं रहा। स्लिम लगने के चक्कर में? हाँ। स्लिम लग रहा हूँ मैं? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब जितना मोटा एक्चुअली है उतना दिखता नहीं है। जितना मोटा मतलब कितना मोटा? यहाँ से मैं क्या, ये सोनी टीवी से निकल के सब टीवी पे आ रहा हूँ। बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। बस ये बात रिपीट करके चलाई जाए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। कम ऑन, अपना टाइम आ गया। नमस्कार। नमस्ते। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे भी। क्या बात है, दीपिका जी आई हैं, अनन्या आई हैं, रणवीर आए हैं। बाबा रणवीर जी कहाँ आए हैं? एयरपोर्ट पे आए हैं बेटा, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा।
बात है। अनन्या जी आए हैं, दीपिका जी आए हैं, सिद्धांत जी भी आए हैं, धैर्य जी भी आए हैं। हाँ, तो जब इतनी खूबसूरत हीरोइनें आई हैं, तो आप दोनों ने आने के लिए इतनी तकलीफ क्यों ली? बेटा एक काम कर, तू इनसे बात कर ले, मैं उनसे बात कर लेता। नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए। अब तूने अगर ऐसी कोई बात की ना, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मुझसे बात नहीं करेंगे पापा? तो ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, कीजिए ना बात। मैं वैसे इनसे बात करने के लिए मेरे पास कोई बात ही नहीं है बेटे। अरे ये क्या बात हुई पापा, मतलब बात की कुछ जरा शुरुआत कीजिए ना, कहिए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बात की कुछ शुरुआत कीजिए ना, कहिए ना कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? आबा, वो शुरुआत की बात बोलनी नहीं है, आपको सिर्फ कहना है ऐसे हैं आप, क्या चल रहा है? पापा वो शुरुआत की बात बोलनी नहीं है, सीधा बोलिए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? पापा क्या कर रहे हैं आप, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बताइए इनको क्या चल रहा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा, जी बताइए कहाँ से? दीपिका जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप बताइए कैसे चल रहा है? मैंने पापा, आप कीजिए बात कीजिए, आप बात कीजिए। कहाँ से हैं? दीपिका जी मैं, मजा आ गया आपको देख के आज। मैं दीपिका जी इतना बड़ा फैन, बात मुलाकात हुई है। बस कर, बाप के साथ खेल रहा है, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। नहीं बाबा, क्लियरली बताइए आप बाद में मुझसे कब बात करेंगे, क्योंकि दो और लोग हैं जो मुझसे बाद में बात करना चाहते हैं, तो आप पहले मुझसे बाद में बात करेंगे या पहले वो मुझसे बाद में बात करेंगे? क्योंकि पहले बात बात करने के बाद में कौन बात करेगा, ये भी बताइए मुझे। मनकर, ज्यादा बकवास की ना, तो स्कर्ट घुमा के अभी उड़ जाऊंगा मैं। बात कर रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तू क्या मुझसे बाद में बात करेगा, मेरे पास भी दो लोग आ रहे हैं मुझसे बाद में बात बात के, वो तू ये सब कैसे कर लेता है यार? तू ये सब मुझे बाद में सिखाना। ठीक है बाबा। ठीक है बेटे, ओके, अब मुझे बात करने दे दीपिका जी से। ओके, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं अनन्या जी। जी वाह, हमारे घर पे आज दो लक्ष्मी आई हैं। अच्छा, क्या बात है, शगुन तो बनता है। तो अगर 1100 रुपए अगर आप हमें दे दें तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। मैं आपको 1100 बादाम दे सकती हूँ। ये कुछ नहीं, पैसे दे दो, वो जरूरत है हमें। शगुन लेते नहीं है पापा, शगुन देते हैं। हाँ तो देते क्यों नहीं वो? पापा बहू बेटियों को शगुन देते हैं। अब एक शगुन के लिए क्या मैं बहू बेटी बन जाऊं? ये क्या बात हुई, क्या प्रोमो है आप लोगों का, मजा आ गया। पानी पानी हर जगह, पानी पानी, बोतल तो दिखी ही नहीं कहीं। पापा ये आते ही आपने फिर से बोतल की बात की है। अबे पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ, समुंदर का पानी थोड़ी पियेंगे वो लोग। अरे ये बात भी ठीक है। वैसे पापा मैं आपको बताऊं, दीपिका जी कमाल की अदाकारा है। अच्छा, इनकी वो फिल्म है पीकू, पापा बहुत अच्छा काम किया है उसमें। अच्छा, बाजीराव में अच्छा काम नहीं किया क्या इन्होंने? नहीं, उसमें भी अच्छा काम किया है पापा। तो पीकू में अच्छा काम नहीं किया क्या? अरे पापा दोनों में अच्छा काम किया। अच्छा है। सिर्फ दोनों में ही अच्छा काम किया, बाकी फिल्मों में अच्छा काम नहीं किया है क्या? पापा इन्होंने सब फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। सब फिल्मों में तो वो है ही नहीं। पति पत्नी और वो में तो अनन्या है। क्या झूठ बोले जा रहा है इतनी देर से? हाँ मुझे बात करने दे। आप कीजिए पापा, मैं नहीं कर रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा। दीपिका जी, जी आप बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। शुक्रिया।
पीकू फिल्म में आपने बहुत कमाल का काम किया था। बाजीराव में अच्छा काम नहीं किया पापा? बाजीराव मैंने देखी नहीं। बेटा वो देख चिड़िया। कहाँ पर? वो देख वहाँ। मैंने बाजीराव देखी है, आपने कमाल का काम किया, मैंने सिर्फ इसके लिए कहा। बस कर जा चिड़िया के साथ उड़ जा, जा हट। दीपिका जी 83 में क्या माशाल्लाह आपने क्या किरदार निभाया है, इतना बढ़िया। आपको पता है जो आपने कैरेक्टर किया है, वैसे दो कैरेक्टर मैंने मार्केट में देखे हैं। कैसे? हाँ, आपकी नकल कर रहे थे वो लोग। क्या, क्या पापा, कौन कौन नकल कर रहा है इनकी? अरे कपिल देव और उनकी बीवी। अरे वो असली, अरे है। इनकी नकल कर रहे थे, वो असली हैं, इन्होंने फिल्म में उनकी नकल करी है। अच्छा हाँ, ऐसे कैसे कौन किसकी नकल कर सकता है यार? हाँ बाबा, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। हाँ? जब कोई किसी की नकल करता है मैं सहन नहीं कर पाता। आज के बाद अगर मैंने किसी को किसी की नकल करते हुए देख लिया तो उसे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, मैं साथों में साथ एक साथ मारूंगा। और आप लोग जो दोनों धर्म पाजी और सनी पाजी की नकल करते हो, ये ले पकड़े गए हम लोग। पता नहीं किसका बच्चा है ये। आप ही का बच्चा हूँ, ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ तो गलती हो गई मुझसे। अगली बार मत करना। बात बात पे जब देखो नाराज हो जाता है। अब बात ही आप नाराजगी की करते हैं। अब मेहमान आते हैं, कभी मेरी तारीफ नहीं करते, मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कहते, आप कभी भी खाली ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते मुझे। अरे बैठे रोना नहीं मेरे बेटे। आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा? हाँ, ये कभी दूध भी नहीं देता। ए, क्या क्या बोल रहे हैं आप पापा? तू दूध देता है क्या? नहीं नहीं, मैंने वही कहा, तू दूध नहीं देता। समझ गया पापा, समझ गया, समझ गया। अब मेरी बारी है। मेरे पापा में भी एक कमाल का टैलेंट है। बताइए। मेरे पापा अंडा ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? कल तो मैंने तुझे अंडे दिए थे। 30 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अंडे दिए थे मैंने। मेरा पूरा चोक खराब कर दिया पापा आपने। जो तू जो मेरा नाम खराब कर रहा है उसका क्या? कहता है बाप अंडे नहीं देता। बोलिए बोलिए, आपको जो बोल रोना नहीं बेटे। नहीं नहीं, तो मजाक है, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, आप लोगों का प्रोमो देखा मैंने, बहुत ही कमाल का, उसमें पानी पानी है ना सब जगह पे। मेरा बेटा बहुत अच्छा बोट बनता है। बेटे मेहमान घर पे आए हैं। बोट बन के दिखाओ। बेटे मेहमान घर पे आए हैं, इनको बोट बन के दिखा। मैं भी देखना चाहती हूँ। दीपिका जी भी देखना चाहते हैं। Yes, ठीक है, we all want it. अगर आप देखना चाहते हैं और आप सब देखना चाहते हैं तो राइट नाउ मैं एक नाव बन के दिखाऊंगा पापा। हाँ, लेकिन आपको नाव चलानी आपको पड़ेगी। हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, मैं चलाऊंगा तेरे लिए। I'll show you, okay? ढंग से दिखा बेटे, यहाँ बना बेटे, यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। ओके, बहुत सारा। वाह, ये देखिए। एक मिनट बेटे। हाँ बाबा। अभी यहाँ पर तूफान आ गया, ठीक है? ओह।
ये कैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे? इसीलिए कहते हैं आर्टिस्टों को ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसा लगा अनन्या जी? कैसी लगे आपको हमारी नाव? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा, मजा आ गया। खैर थैंक यू, आपका प्रोमो बहुत अच्छा है। आप तो हमारी तारीफ कर रही थी, पर आप दोनों ने जो किया अभी, दैट्स लाइक अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। एब्सोल्युटली, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपको पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाते जाते केकड़ा बन के जाएंगे आपके लिए। केकड़ा? तू बनता है ना बेटे घर पे केकड़ा? हाँ, यहाँ हाथ रख, मुझे निकाल, ये देखिए, चल अभी, बाय। बैठिए प्लीज। दोस्तों अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर मिस्टर शकुन बत्रा। शकुन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको बहुत मुबारकबाद। आपका ट्रेलर बड़ा ही प्रॉमिसिंग है और बड़ा मजा आया देख के। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आए, आपकी वजह से अर्चना जी कंफ्यूज हो गई आज। अरे अरे, इनको मैंने बताया दीपिका शकुन के साथ आ रही है, लिफाफा तो मैं ही लूंगी। वो वाले शकुन में शकुन बत्रा, कभी कोई बात नहीं, फिल्म मांग लूंगी इनसे। ओह गॉड। सर आप इतने क्यूट है ना। बहुत ही क्यूट है। से आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी सिर्फ 40 आपकी, के। आप, मेरे को साबुन का एंडोर्समेंट में जाए तो मैं फटाफट नाम भी ले लेता हूँ साबुन का। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू, आपकी वजह से आज दीपिका आई है। कुछ भी आप बुलाती तो मैं आ जाती। डोंट गिव हिम आइडियाज। शकुन सर सही सही बताना, चारों में से कौन ज्यादा? दीपिका तो बहुत डिसेंट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संस्कारी है। इन तीनों में से कौन तंग करता था आपको? जी ये अनन्या बहुत ही बहुत तंग करती है। बहुत ही बहुत। मैं कैसे, किस प्रकार से तंग करती है ये? जब भी इनका सीरियस रोल होता है पूरा टाइम हंसती रहती हैं, तो उनको फिर पूरा प्रेप करना पड़ता है वापस शुरू से। मैंने तो आपके बारे में भी ये बात सुनी कि आप कभी कभी इमोशनल सीन में आपकी हंसी छूट जाती है। इज इट ट्रू सर? इज इट ट्रू? जी मेरी सिर्फ इमोशनल सीन में ही हंसी छूटती है, हंसी वाले सीन में मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये मतलब मुझे समझ नहीं आया, इमोशनल सीन में क्यों हंसते हैं आप? इमोशंस आपको पसंद नहीं है? नहीं, क्या है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो जब हमें तो पता है जब पिक्चर बना रहे हैं कि हम उस समय शूट कर रहे हैं, तो एकदम से जब बातचीत करते करते दोस्त रोने लग जाते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। अच्छा। बड़ा कमाल का सर आपने ये जो सब्जेक्ट चुना है, और बड़ी ही प्यारी फिल्म लग रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। दीपिका गहराइयां से पहले 83 में आपने एक्टिंग तो करी, आप उसमें प्रोड्यूसर भी थी, तो रणवीर को आप एज ए प्रोड्यूसर ही मिली थी या एज ए वाइफ उसका चेक भी मार लिया आपने? हक तो बनता है मतलब। मैंने कुछ पैसे लिए ही नहीं उसमें से। अच्छा, बस दिल से किया मैंने। बहुत स्वीट, पर आप बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा आप और रणवीर भाई जब भी निकलते हो घर से बाहर, चाहे एयरपोर्ट पे दिखें आप, मैं आपकी पिक्चर देखता रहता हूँ। अभी आप दुबई गए थे रेट्रो लुक में, एयरपोर्ट पे जब इतने प्यारे लगते हो, मेरे को एक बात जाननी है, ये जो आप घर से बाहर जब जाते हैं, कौन डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट पे हम ऐसा लुक रखेंगे? वैसे तो आप कुछ भी पहन लो आपको जचता ही है। जैसे हम दोनों का कैसे आज ये मैच हुआ। हाँ, ये तो कुदरती कनेक्शन है हमारा, तो वैसे ही। वाओ, ओ सिद्धांत को गुस्सा आ रहा है, बत्रा साहब बीच में आके बैठ गए। पिक्चर में भी सिद्धांत के बीच में बहुत बाधाएं हैं, तो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ पिक्चर तक ये। जी धैर्य साहब जो है ये उरी में ऑफिसर बने थे, आर्मी ऑफिसर बने थे। 83 में इन्होंने क्रिकेटर रवि शास्त्री साहब का रोल प्ले किया। इस फिल्म में आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे। आपने जरूरी नहीं समझा कोई काम धंधा करना? आपको पता था अच्छा दीपिका के साथ मैं काम कर रहा हूँ, या आपको ये बोला गया कि 40 दिन गोवा में एंजॉय करो? सर एक तो ये भी था कि हॉलीडे जैसे थी, और सर पहली दोनों फिल्मों में इतनी ज्यादा कसरत और भाग भाग लिया था, मैंने कहा इस बारी बैठ के। वैसे भी शकुन ने पहले ही बोल दिया था कि वेट से दूर रहना, तू राइटर है, राइटर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि जिम में जाके थोड़ी मसल दिखाए। मैंने कहा ये रोल ठीक है। धैर्य आपकी वैसे हाइट कितनी है? काफी लंबे हैं आप। 6'4"? सर ये बहुत झूठ बोलता है, ये पहली बार मुझे जब मिला तो उसने मुझे बोला कि ये 6'2" है। अच्छा,
तो मैं मिला तो ये ऐसे ऐसे करके चल रहा था और जब मेरे सामने बैठा तो टेबल पे ऐसे बैठा तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये आदमी कितना लंबा है. तो ये गया तो मैंने फोन लगाया कास्टिंग डायरेक्टर, बोला ये थोड़ा लंबा लगा मुझे. अच्छा तो इसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो 6'3" हूँ. तो फिर 6'3" पे 6'3" पे 6'3" पे हमने बोला चलो बात पक्की. चलो फिर हम जब सेट बनाने लगे तब तक मैं 2-3 रीडिंग कर चुका था उसके साथ. अच्छा. तो मैंने बोला देख अब सच सच बता दे क्योंकि सेट के दरवाजे मेरे को बदलने पड़ेंगे. तब जाके उसने मुझे बताया 6'4" है तो हमारा सब सेट के दरवाजे बदले वापस. और ये सच कहानी है, ये सच है. बाप रे सर ये गलती हमारी मेरी भी नहीं है क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब और जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर थे ना सर वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऊंची ही है वो. सर दोनों की हाइट आप जैसे शकुन की हाइट है वैसी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर की भी हाइट सेम ही थी. नहीं पर आप जितने लंबे हैं आप तो अपनी छत पे खड़े होकर फ्लाइट वहीं से पकड़ सकते हैं आप. अच्छा दीपिका ने अलग अलग तरीके की फिल्में करी हैं, हिस्टोरिकल फिल्में भी करी हैं आपने, आपने सोशल मुद्दे के ऊपर भी फिल्में करी हैं, रोमांटिक फिल्में भी करी हैं. कभी आपका कॉमेडी फिल्म करने का मन हो तो किसको आप अप्रोच करेंगी? लोडेड क्वेश्चन, वेरी लोडेड. एक लड़का आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है. अच्छा कपिल शर्मा नाम है उनका. हाँ वो शकुन सर देख लो अगर आपको कॉमेडी फिल्म बनानी, देखो कास्टिंग यहीं पे हो गई आपकी. जी बिल्कुल, मगर वही है मैं कॉमेडी सीन में हंसता नहीं हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी. बट नहीं मैं चाहूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट करें और आप मेरे को स्टार हो उस फिल्म में. सो डायरेक्ट एंड एक्ट. डायरेक्ट एक्ट एंड अगर आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. इसका शौक है, प्रोड्यूस करने का शौक है इसका. मैंने दो करी थी. हाँ लेकिन वो फिर काम खराब हो जाता है. जो चीज नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए. तो सिर्फ एक्ट करना और डायरेक्ट भी करना. दीपिका के लिए तो मैं दोबारा सारी जिद दौलत ले लो आप लगा दो. दीपिका के लिए एनीथिंग. शकुन सर हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप रीटेक में काफी बिलीव करते हैं. जी बिल्कुल. ये जो कहानी जो है, ये जितना दे दे उतना मैं ले जाता हूँ घर. ये मेरा फिलोसफी है. सबसे ज्यादा टेक पता है मैंने किसके साथ किया है? सिद्धांत और धैर्य और अनन्या के साथ. किसके साथ? कचरे के साथ किया है. कचरे के साथ? कचरे का जो बैग होता है कचरा. वो कचरा रिएक्ट नहीं कर रहा था ना ढंग से तो बार बार. यू वर ग्रेट. आई वाज ग्रेट. यू वर ग्रेट. आर यू श्योर? आई थिंक द कचरा वाज ग्रेट. आई वाज नॉट. दैट आल्सो. आपने दीपिका को इतना परेशान किया. इनके सामने से फ्रूट हटा लो. इतना परेशान किया आपने दीपू को. वैसे आपको क्या लगता है आजकल टेकिंग में बड़ा चेंज आ गया ना आजकल? मतलब वो फिक्स फ्रेम जो होते थे कि उसमें टाइम जा रहा है, लाइटिंग हो रही है, आजकल मुझे तो हैंडल कैमरा लेके फटाफट काम फास्ट नहीं हो गया पहले से? बिल्कुल है ना. बिल्कुल बताएंगे आपको दीपिका. पर फिर भी मुझे ऐसे लगा कि मैं संजय लीला भंसाली फिल्म के सेट पे काम कर रही. झूठ मत बोलो. उन्होंने मेरे को नाम दिया था संजय लीला भंसाली जी का SLB प्रोडक्शन है. मुझे बोलते तू GLB है, गरीब लीला भंसाली. तेरा एंबिशन है संजय लीला सर का मगर इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब लीला भंसाली. हाउ मेनी डेज डिड यू शूट गहराइयां फॉर? Definitely more than अगर गहराइयां संजय लीला भंसाली साहब कर रहे होते ना तो पीछे समंदर का पानी का कलर देखते वो, इसमें थोड़ा और हरा रंग डालो. इस फिल्म में सिद्धांत जो है ये धैर्य की वाइफ के साथ अफेयर कर रहे हैं. हमने सुना एक बार अपने कजन की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करते पकड़े गए थे. सिर तो आपको पता था ये मेरा हुनर किसी दिन काम आएगा? ये सही बात है. देखिए मैंने नहीं शुरुआत की थी, वो तो शादी माहौल का समय था तो डांस करते करते थोड़ा बहुत नैनमा टक्का हो गया. फिसल गए. हाँ तो बस ऐसा ही कुछ है. मैं तो कुछ नहीं करता बाजी. वाह डांस करते करते आदमी इधर उधर नाच रहा था उसके बीच में से भी आपने टाइम निकाल लिया आंख में रखने के लिए. चतुर्वेदी साहब क्या बात है. वेरी गुड. अफवाहें हैं कुछ आप सबके बारे में. देखिए हम बिलीव नहीं करते क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है खबरों पे. अफवाहें ये हैं अनन्या आपके बारे में, ये अफवाह कि आप लॉकडाउन में कहीं घूमने नहीं जा पा रही थी
इसलिए आप रोज ब्रिटिश एयरवेज का नाइट सूट पहन के सोती थी। ये बात सही है? मैंने प्लेन से चुराया था। वो तो मतलब आपको दे ही देते ना, वो लोग छोड़ भी देते हैं। मैंने 3-4 ले लिए। यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो अनन्या जो चंकी पांडे इज डॉटर फॉर श्योर। धैर्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर वाले सिर्फ आपसे ही फल मंगवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। सर मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सो मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सीधा पेड़ से तोड़वाते हैं। मैं उधर पूछ रहा हूँ। शकुन, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी फिल्म की शूटिंग जो है 30 दिन में पूरी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि जब भी कोई छींक देता था आप शूटिंग रोक देते थे, क्योंकि आप शकुन अपशकुन बड़ा मानते हैं। यही यही है असलियत, वरना तो मैं पिक्चर 20 दिन में खत्म। सिद्धांत, आपके बारे में ये फाया कि एमसी शेर कैरेक्टर की प्रिपरेशन आपने टीवी पे शेर को देख के करी थी। इज इट ट्रू? जी। और मतलब कैसे? मतलब जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग किरदार है, मेरे जीवन के आसपास कोई ऐसा है नहीं जो ऐसा कुछ देखूं मैं। नाम शेर था तो मैंने वहीं से उठा लिया कि यार कुछ शेर है तो शायद किसी वजह से लोग आसपास मोहल्ले वाले शेर बोलते होंगे किसी वजह से। तो फिर मैंने जाके वो वाइल्ड लाइफ की जो होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें शेर जो होता है उसके चाल चलन कैसे बैठता है कैसे उठता है, वो थोड़ी सी बहुत वो चीज़ें अपनाने की कोशिश की थी उस किरदार में। अच्छा, वाह। तो इस पिक्चर में कौन सा जानवर आप देख रहे थे? भूखा शेर। दीपिका, आपके बारे में ये फाया कि चेन्नई एक्सप्रेस में आप शाहरुख खान को थंगबली वाला गुस्सा करके पलंग से नीचे गिरा देती थी, तो अफवाह ये है कि कभी आपको रणवीर पे कभी गुस्सा आता है आप फिर थंगबली बन जाती हैं। और उसके लिए थंगबली बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? जब भी मैं नाराज हो जाती हूँ मैं उसको किक मारती हूँ। आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप शॉपिंग सिर्फ खुद के लिए ही करती हैं, इसलिए रणवीर गुस्से में कभी कभी आपके कपड़े पहन जाते हैं। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। अच्छा, आप देख लो अर्चना जी, पति पत्नी चाहे दोनों सुपरस्टार हों लेकिन पति पत्नी होते हैं, इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अच्छा? यहाँ पे दिखाई जरा। ये रणवीर पाजी ने फोटो कहीं पोस्ट किया और नीचे कमेंट आता है एक डोंट कम बैक विदाउट 1 kg मैसूर पाक फ्रॉम श्री कृष्णा एंड 2.5 kg पैकेट्स फॉर स्पाइसी पोटैटो चिप्स फ्रॉम हॉट चिप्स। सोशल मीडिया पे जाके लिखने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बोल देती मैं ले आता। देखो ये बात कोई पत्नी कह सकती है, अदरवाइज लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं आपको पता, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं लोग। मैं आपको कुछ आपकी पिक्चर्स के नीचे दिखाता हूँ, दिखाई जरा। लेकिन आई वांट टू नो कि 2.5 kg पोटैटो चिप्स है, व्हाट वर यू गोना डू? तुम तो नहीं खाती? ऑफ कोर्स मैं खाती हूँ। जस्ट लुक एट यू, 2.5 kg ऑफ पोटैटो चिप्स। अरे आपकी तरह एक ही बार में नहीं खाती, धीरे धीरे। ओके, दिखाई जरा पिक्चर्स। वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर, लवली। ये कहाँ की है दीपिका? ये This is during the our reception, wedding reception. Wow. Okay, तो चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। रणवीर भाई पीछे रखी किताबें बेच दो, इतनी सुंदर बीवी के बाद अब कहाँ किताबों में मन लगेगा। आपने सर पे घूंघट तो ले लिए लेकिन आपका घुटना खुला रह गया। आगे दिखाइए। और ऐसी ड्रेस पहन लो तो 2 लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है जो पीछे से ड्रेस उठा के साथ चले। ये सच बात है, ये तो होता ही है, कभी कभी 2-3 लोग ड्रेस के अंदर होते हैं। ट्रू, मैं सच कह रही हूँ। दे स्टे इनसाइड। नो, इसे लिखा है जितना कपड़ा पीछे जमीन पे घसीट रहे हो उससे ब्लैक वाला सोफा भी रेड हो सकता था। आगे दिखाइए। सिद्धांत चतुर्वेदी, चल कहीं दूर निकल जाएं,
दिखाइए जरा कमेंट्स. साइकिल से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे. मैं अपना स्कूटर सेकंड हैंड बेच रहा हूं, वो खरीद लो. भाई इस गाड़ी के लिए कितनी ईएमआई देते हो आप? घुटनों को सोलर पैनल की तरह भी यूज कर सकते हैं. आई जस्ट रियलाइज. मुझे कल घर शिफ्ट करना है, क्या आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो? शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहनने से वो जैकेट नहीं बन जाती. और दिखाइए. Oh God. Oh, what is this? What sound does a gorilla's doorbell make? King Kong. दिखाइए जरा कमेंट्स. इसे कहते हैं एनिमल लवर. ट्रेनर भी इन्होंने चिंपैंजी रखा हुआ है. ओ माय गॉड, फिल्म आंखें में चंकी सर के साथ जो बंदर था वो कितना बड़ा हो गया है. ये चिंपैंजी के नाम के साथ जी क्यों लगाते हैं? चिंपैन बोलो. किसी ने रिप्लाई लिखा, तेरे पूर्वज हैं इसलिए जी लगाया है. नीचे रिप्लाई भी करते हैं लोग. और दिखाइए आगे. गॉड, और भी हैं. उस दिन मैंने डीएम किया था तुमको, अगर हाँ बोल देती तो ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता. और दिखाइए. बस धैर्य करवा. ओके दिखाइए कमेंट्स. नाइस फोटोग्राफ. यू लुक सो डिफरेंट. हाँ एक्चुअली जरूर टिकट चक्कर आ गया होगा इसलिए पीछे के गेट से उतर रहे हैं. आप तो उतर जाओगे, आपका फोटोग्राफर तो फंस जाएगा. गर्लफ्रेंड के चक्कर में बस में चढ़ो और साथ में उसका चाचा दिख जाए तो बंदा ऐसा ही लुक देता है. और दिखाइए. आप कितना भी उसको पलट पलट के देख लो भाई, वो नहीं देखेगी, भूल जाओ उसे. वाह, लुक जेम्स बॉन्ड वाला और खड़े कंडक्टर की जगह हो. और दिखाइए. ओ यस, द ग्रेट खली वर्सेस शकुन बत्रा फॉर द टाइटल. ये आप कहाँ मिले शकुन सर उनको? मैं उनके साथ एक एड शूट कर रहा था कश्मीर में. अच्छा जी. मैंने काफी कोशिश करी कि मैं उनके साथ कुछ अच्छे से हैंग करूं मगर उन्होंने कम्प्लीटली रिफ्यूज कर दिया. Why? ये दो फोटो में दोनों कभी पूरे आ नहीं सकते. यहाँ ये तो ये नहीं पूरे आएंगे, वो नहीं पूरे आएंगे. देखो आप कमेंट्स दिखाई जरा. अच्छा हुआ इन्होंने आपसे हाथ मिलाया, वरना तो ये आपको उठा के गले भी मिल सकते थे. शकुन भाई अगर कहीं पगड़ी पहन लेते तो चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी बन जाती. और दिखाइए. खली भी लाइक, अरे ये बच्चा किसका खो गया है. Nice. मुझे लगता है शकुन भाई जितने तो ये डंबल उठाते होंगे. और दिखाइए. फॉर द लव ऑफ बोल्ड प्रिंट्स दिखाइए. माना आप हॉट हैं लेकिन ऑमलेट तवे पे बनाना चाहिए था, ड्रेस पे नहीं. What? I feel you, feel blue. This it's okay. It will be all right. अच्छा, दिखाइए जरा comments. सर अगर ये ठीक से नहीं बज रही तो आप इसकी डंडी से पीठ भी खुजा सकते हैं. और दिखाइए. आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा. आज तूने सपना सजाया है, कल वायलिन भी बजाएगा. अब क्या आगे की लाइन भी मैं ही बनाएगा? मैंने भी ऐसे ही पोज बना के गर्लफ्रेंड को पटाया था, अब शादी हो गई है, अब वो झाड़ू से मेरे नगाड़े बजाती. और दिखाइए. अरे अनन्या ने ये पिक्चर डाली है, दिखाइए. खाकरा लग रहा. इस फोटो पे आपने कोई कैप्शन क्यों नहीं डाला? अबे कैसे डालेगी, दोनों हाथ तो फंसे हुए हैं. वाह अनन्या जी, ये रोटी में छेद करके चूड़ियां बनाने का आइडिया अच्छा है. रोटी नहीं ये खाकरे हैं. पापा से कहा था बैंगल्स ला दो, उन्होंने पापड़ में छेद करके दे दिए. और दिखाइए. काम क्या है ये अगला? अमिड्स द चौरे नहीं समझ आए मेरे को. दिखाइए कमेंट्स.
मैंने कहा था इतना स्पाइसी मत खाओ, लग गई ना न्यूज़पेपर में आग. भाई गुस्सा ना हो, आपकी भी खबर छपेगी अखबार में. ये अनु मलिक के सच्चे फैन हैं, इन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी. एक अखबार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इकट्ठे कर करके मुझे बेच दिया करो पप्पू रद्दी वाला. अच्छा जैसे आपने देखा अभी दीपिका ने रणवीर की फोटो के नीचे ये बोल दिया कि ये लेते आना, है ना, तो घर वाले अक्सर कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं. और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर वालों ने कोई बात ऐसे सबके सामने कर दी हो? कोई भी आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं. जी मैडम. हेलो एवरीवन. हेलो कपिल सर. हेलो जी. आई एम सलोनी एंड आई एम फ्रॉम थाने. मैं एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जिसमें एक्चुअली मैं एम्बेरस नहीं हुई थी, मेरे सामने वाला एम्बेरस हुआ था. क्या हुआ था? मैं ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रही थी. और पूरी ट्रेन में अकेली? हाँ. ड्राइवर तो होगा? जी. मेरे सामने एक ठीक ठाक बंदा बैठा हुआ था. ठीक ठाक मतलब? हाँ ठीक ठाक ही था. ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक? ठीक ठाक. अच्छा जी. फिर तो एक्चुअली वो मेरे को देख के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था और बेसिकली वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था. अच्छा. तो इतने में स्टेशन आता है और वो विंडो पे बैठा रहता है. तो वो क्या करता है कि तरबूज लेने के लिए विंडो से हाथ बाहर करता है और तरबूज वाली आंटी से बार्गेन करता है. अच्छा. एंड इतने में वो बस पैसे देता है और ट्रेन चल देती है. तो आंटी भी क्या करती है, उसको हाथ में ही तरबूज दे देती है. सब लोग हंस रहे होते हैं, वो क्या बोले. और फिर ऐसे वो बहुत कोशिश करता है बट तरबूज विंडो से आगे ऐसे आएगा. अच्छा, पूरा बड़ा वाला गोल तरबूज दे दिया ऐसे? वो भी कैसा आदमी, अगर आपको इम्प्रेस कर रहा है, आपके सामने तरबूज खरीद रहा है वो, और तरबूज तोड़ेगा वो ट्रेन में. फिर एक ऐसे स्टेशन निकल जाता है, फिर एक छोटा सा स्टेशन आता है वहां पे तरबूज उसने पकड़ रखा. हाँ. और फिर उस मतलब एक छोटा स्टेशन. ये सच्ची बात है कि आपको टीवी पे आने का शौक है? नहीं, ये सच में हुआ है. अच्छा जी. ये पर बड़ा मुश्किल होता है खड़े खड़े कहानी बनाना. फिर क्या हुआ? तो एक छोटा सा स्टेशन आता है, वहाँ पे एक छोटी सी शॉप होती है, बहुत सारे बैगर होते हैं. अच्छा. तो वो एक बैगर को बुलाता है कि भैया जरा ये पकड़ना, मैं आता हूँ. तो इतने में क्या होता है, बैगर को लगता है कि वो उसको दिया है. तो वो बैगर मतलब वो उठ के जाता है, इतने में बैगर निकल जाता है, ट्रेन निकल जाती है. उसको इतना एम्बेरस होता है कि वो बेचारा मुंह लटका के आता है, एंड देन फिर पूरी जर्नी में मेरी तरफ देखता भी नहीं है वो. स्क्रिप्ट राइटर, यू मस्ट हायर हर. इस पे फिल्म बननी चाहिए. कितनी इमोशनल कहानी है. दर्द देखा आपने? किसी का तरबूज कोई ले गया. वाह सलोनी, बड़ी प्यारी हो आप. बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी शो में आने के लिए. और कोई हमारे दोस्त भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, माइक दे दे उनको. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो. हेलो कपिल सर. हाय सर, मैं आदित्य राज थापर मुंबई से हूँ. ओए होए, इतना बड़ा नाम. आजकल वेब सीरीज में गुंडे होते हैं ऐसे. जी आदित्य, कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से ही हूँ. अच्छा. सर कोई एम्बैरसिंग स्टोरी तो नहीं है मेरी. अच्छा. लेकिन कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी गली बॉय. हाँ. तो मैं और मेरे दोस्त ने वो पिक्चर रणवीर सिंह के फैन फॉलोइंग में देखी थी. अच्छा जी. बट पिक्चर के बाद हमको सिद्धार्थ चतुर्वेदी सर भी बहुत पसंद आए, लाइक हम उनके दिल डाई हार्ड फैन बन गए. जी आजा भाई, ऐसे नहीं मिलते ना पाजी फैन जल्दी. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया आदित्य और जुबीन, शुक्रिया. ओ शेर आया बोल के लंगूर कहां से आ गया? तो आपको सारी फोटो मिल गई. पापा राजी? मेरी बात सुनो, जब तू पैदा हुआ था ना तेरी माँ राजी थी ना पापा राजी थे. ये वाले पापा राजी कहां से आ गए तेरे पीछे पड़ गए? मैंने तो मैं मना किया था ना ऐसी बातें नहीं करनी. सर चंदू सर, चंदू सर, चंदू सर, सर राइट, थोड़ा राइट सर, लेफ्ट 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 सर, इधर इधर थोड़ा सा सर इधर. ये सर सर क्या होता है, मुझे बाबा बोलो यार, जैसे रणवीर सिंह को बोलते हैं बाबा, इधर बाबा उधर. सर हमने खुद को बेचा जमीर को, नहीं आपको बाबा बोलेंगे. 100 रुपए में ये वाला कैमरा और इतना ही मिलेगा बस. ए भाई ए, चलो और सारा फोटो डिलीट कर देना. चलो, चलो, चलो. ओ ब्रदर, भाई साहब
भाई साहब, ये मीडिया वाले भी ना बड़ा परेशान करते हैं। वो तो स्टार्स को करते हैं ना, तुझे क्या? ये जूते तेरे कड़ी में गिर गए थे। कपिल शर्मा, दिस इज माई एयरपोर्ट लुक। एयरपोर्ट लुक नहीं, तेरा अंधेरी स्टेशन वाला लुक है तेरा ये। तेरी हिम्मत कैसे हुई रणवीर सिंह बनने की? रणवीर सिंह बनने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, फैशन की जरूरत होती है। और टैलेंट? टैलेंट के हिसाब से तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। शत्रुमुर्ख बन के क्यों घूम रहा है तू? तू लेट सड़क पे, बच्चे तेरे ऊपर चेस खेल रहे कहीं? क्या है ये दो चोटी क्यों बनाई तूने? पहली चोटी मैंने बनाई थी, वो बोर हो रही थी, फिर मैंने दूसरी बना ली। कपिल शर्मा कैसे यार सवाल तुम करते हो? मैं रणवीर सिंह सर का फैन हूँ। दीपिका मैम, मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो दो चोटियां करते बड़े हैंडसम लगते हैं। हाँ। तू कैसा उदड़ी हुई चुड़ैल लग रहा है तू। देखो, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जैसे मैंने रणवीर सिंह जैसा बन जाना है, मैंने सारा अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर देना है। मेरे फ्रेंड सर्कल में देखो सर है क्या, एक कपूर शर्मा और दूसरा दिनेश। पूरा सर्कल भी नहीं बनता, ये सेमी सर्कल सा बन के रह गया। चल तेरे पास तो फिर भी हम है। हाँ। हमारा सोच, हमारे पास क्या है? क्या है सोच? वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या यार दीपू, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई? दीपू बोलने की, पूरा नाम बोल। दीपिका पादुकोण। जी कौन लगाएगा? मालकिन कौन लगाएगा? ठीक है, मैं पूरा नाम लेता हूं, तुमने बीच में नहीं बोलना। श्रीमती दीपिका पादुकोण जी, वाइफ ऑफ श्री रणवीर सिंह जी, आप खुश हैं आप? चला जा, दफा हो जा, तेरे से कोई बात नहीं करनी किसी ने। यार हाथ दोगी क्यों? इनसे क्यों नहीं बात करनी? मैं नहीं करनी इनसे बात। अनन्या जी मेरी बात सुनिए। खबरदार उनसे भी बात की तो। यार ना मैंने अनन्या से बात करनी है, ना मैंने दीपिका से बात करनी है, तो इतना तैयार होकर मैं धैर्य के लिए आया हूं। हाथ तो गई है। खैर मेरी बात सुनो, अगर मेरे को नहीं बात करने देनी, तुम मेरे बारे में बताओ। बैठो बताता हूँ। हाँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है। वेरी गुड, शाबाश, जोरदार तालियां कपूर शर्मा के लिए। ये मेरा बचपन का दोस्त है, और जब ये पैदा हुआ, अच्छा, इसको हॉस्पिटल से घर लेके आया ना माता पिता, आते ही उन्होंने पहले क्यूट क्यूट बच्चों की जो फोटो लगाई थी ना, सारी फाड़ दी। कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। ये तू आ गया जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के। मैं बताता हूँ, जब ये पैदा हुए, बधाई मांगने वाले इनके घर में आए। अच्छा। इनके घर वालों ने पैसे दिए, कहते नहीं पैसे नहीं लेने हैं, हम जवाब लेने के लिए आए, ये पैदा क्या किया है? नॉर्मली जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, बधाई मांगने वाले जाते हैं। जाते हैं। जब ये पैदा हुआ, अच्छा, इनके माता पिता खुद बधाई मांगने वालों के घर चले गए। सीरियसली। और जाके उन्होंने दिखाया, कहते ये प्रोडक्ट देखो आप, इसका जो बनता है यही ले लो, मोहल्ले में आके हो हल्ला नहीं चाहिए। हमने किसी को नहीं बताया ये हुआ है। और मेरी बात सुनिए सर, जब ये पैदा हुए, मोहल्ले वालों ने इनके घर वालों से शगुन छीन लिए। अच्छा भाई सब हुआ क्या? कहते इस काम का शगुन लिया आपने, दोबारा अच्छा काम करो फिर शगुन ले लेना। अच्छा आपको पता है स्कूलों में आजकल ना नॉर्मल बच्चों को मिड डे मील मिलता है। हाँ। इसको धमकी मिली। हाँ। कहते खाना घर पे पहुंच जाएगा, खबरदार स्कूल आए तो। हो गया तुम्हारा? नो आई एम नॉट डन येट। जब ये पैदा हुआ, ओ जाओ भाई मैं पैदा ही नहीं हुआ बस। अर्चना जी मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं पैदा ना होता ये अपना एपिसोड कैसे निकालता। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास तो मैं ये कह रहा था। क्या कह रहे थे तुम? तो कुछ कह नहीं रहे थे। क्या तो मैं रहा था, तुम कहना दोगे तो मैं कहूंगा। तो फिर जब ये पैदा हुआ, अच्छा इधर बैठ के पैदा करो मेरे को। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं आता तुम खड़े क्यों हो जाते? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। क्या हो जाता तुम्हें? बैठो 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 शाबाश, करो पैदा। इसने कल ब्लड टेस्ट कराया, इसका बदतमीज पॉजिटिव निकला।
कपिल शर्मा मेरी बात सुनो यार, पता मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अंदर पजामा कुर्ता पड़ा हुआ है, जिस दिन मैं वो डाल कर आऊंगा तब तुम ये बातें कर लेना। आज मैंने अच्छे कपड़े डाले, अच्छी सी बातें। कपड़ों की तू बात ही मत कर, उस दिन दर्जी से लड़ रहा था, कहता मेरे पजामे जेब नहीं डाली, कहता तेरे पास पैसे हैं जेब तूने करनी क्या है। ये आदमी देख लो। नहीं मेरी आप बात सुनिए सर, धैर्य सर आप मुझे बताइए कि जेब में खाली सिर्फ पैसे डालने होते हैं, जब ठंड होगी तो हाथ गर्म करने के लिए तो मैं जेब में डालूंगा ना, या लोगों की जेबें ढूंढूंगा? भाई साहब जेब फ्री है, मैंने हाथ गर्म करना है। अच्छा आप आईटी कंपनी में काम करती ना? करती हैं वो, तुम्हें किसी को बोल के इसका मुंह डिलीट करवा दो आप। यार मैंने ये देखा तुम्हें ना टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए मैं दीपिका जी मैं ये सोच रहा हूँ मैं हॉलीवुड चला जाऊँ। वाह वाह, बहुत छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात तो हो गई। वीजा कहाँ से लाओगे? यही बात अगर एडिसन ने सोची होती ना। एडिसन नहीं एडिसन। ओ ये बल्ब वाला लड़का। बल्ब वाला लड़का, बल्ब वाला लड़का। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या एडिसन क्या? मैंने कहा एडिसन अगर इधर होता तो तुमने उसको बल्ब नहीं बनाने देना था, तुमने बार बार उसको टोकना था कि मुंह तुम्हारा होल्डर जैसा है, तुम खाक बल्ब बनाओगे। अगर बल्ब का आविष्कार ही नहीं हुआ तो होल्डर कहाँ से आया? तेरी कॉमेडी में कोई लॉजिक है? पिछले 9 साल से तुम इतनी बातें कर रहे हो, उनका कोई लॉजिक है ये बताओ पहले सबको। हो गया तेरा कि बाकी है कुछ? आई एम ऑल्सो नॉट डन येट। अनन्या जी, जी मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये 10-star स्पेशल जनरल स्टोर जो मेरा है जी, कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, आटा दाल मैदा, तो आप प्लीज कभी भी। और सिर्फ लेना ही नहीं हो, कभी कुछ देना भी हो, पुराने कंबल पुराने कपड़े बर्तन, तो भी आप इसको बुला सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मैं लेकर आगे गरीबों में बांट देता हूँ। सीधा बोलना फैमिली में बांटता हूँ, गरीबों का क्या मतलब? यार मेरे को ऐसा वैसा नहीं कहना, मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अमीर तो बहुत है ये, जब ये पैदा हुआ। ओ जा भाई। कर मुझे पैदा। कर। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। थैंक यू चंदू, क्या बात है। एक बार गहराइयां की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां, और दीपिका के लिए भी बहुत सारी तालियां। आइए आइए प्लीज। दीपिका, शकुन सर, सिद्धांत, अनन्या, धैर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए, बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। आपको थैंक यू, हम सबको इस शो पे बुलाने के लिए बहुत मजा आया, और आप सब कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेरा पेट बहुत दर्द था सर, मैं पूरे साल इतना नहीं हंसा, ये तो बहुत, जब ये रोते थे तो इतना कभी नहीं हंसा मैं। थैंक यू। तो दोस्तों आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।